माताओं एक बात याद रखना, अगर माँ गर्भ के समय पर तीन बातों को ध्यान में रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का पुत्र घर में जरूर होगा। पहले जब माँ गर्भवती है तो सुबह उठकर के कम से कम एक या दो किलो गेहूं या मक्का जो भी होता है वो जो गांव में चाकी पाई जाती है उससे पीसे सुबह 4 बजे उठ के। दूसरी चीज, सुबह उठकर के गाय के 21 या 11 परिक्रमा लगाए। शाम को सोने से पहले गाय का एक गिलास दूध पिए। हर रोज कृष्ण की पूजा करें तो ठाकुर तो नहीं बल्कि उनके गुणों का और कुछ स्वरूप का पुत्र आपके यहाँ अवश्य पैदा होगा। बोली ये तो बड़ी आसान बात है, ये कौन नहीं कर सकता, इससे क्या होगा। बोले महाराज जो चाकी पीसी जाती है, जिस तरीके से चाकी आप घुमाती हैं उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। तो आपके गर्भ में बैठा बच्चा भगवान के चक्र सुदर्शन के दर्शन करता है। माँ जब चाकी पीसती है तो मुंह से कुछ न कुछ गाने भगवान के जरूर गाती है। गाय का दूध पीने से देखा होगा, गाय का जो बच्चा होता है वो 2-3 मिनट में ही खड़ा हो जाता है, और भैंस का बच्चा, भैंस को दूध पी पी के तो बुद्धि तो भैंस ही बनेगी ना। अब बोले गाय के परिक्रमा लगाने से क्या होगा। बोले गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मथुरा वृंदावन काशी दाऊ जी बरसाने गोकुल हर जगह आप जाते हैं। एक गर्भवती माँ नहीं बाहर जा सकती है तो इसलिए घर बैठे ही सभी देवताओं का आह्वान और ध्यान करें। और एक हमारी तरफ से और, 9 महीने तक कभी भी किसी की बुराई ना करो। पराए पुरुष के साथ में कहीं बाहर न जाओ, परछाई पड़ती है। आप जैसा बोलेंगे, जैसा खाएंगे, जैसा चलेंगे, जैसे जहां बैठेंगे गलत संगत में, उसका पूर्ण असर आपके पेट में जो बच्चा या बच्ची पल रहा है उस पर पड़ेगा। लोग कहते हैं कि बाप का असर बेटे पे होता है और माँ का असर बेटी पे होता है। अगर बाप का असर बेटे पे होता, बुजुर्गों, बाप का असर बेटे पे होता तो ब्राह्मण विश्व सर्वा के यहाँ पर राक्षस रावण पैदा नहीं होता। और अगर बाप का असर बच्चे पे होता तो राक्षस हिरण्यकश्यप के यहाँ पर भक्त प्रहलाद का जन्म नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा बच्चा हो चाहे बच्ची, माँ का असर पड़ता है, क्योंकि प्रहलाद की माँ अच्छी थी और रावण की माँ केतकी राक्षसी थी। हद से ज्यादा असर माँ का पड़ता है। तो भैया भगवान ने अवतार लिया है मैया आदिति के यहाँ पर, बोलेगा कन्हैया लाल की। तो महाराज भगवान ने जान तो लिया कि ये राहु है, लेकिन जैसे ही अमृत डाला, चंद्र और सूर्य बैठे हुए थे अगल बगल में। बोले महाराज क्या कर रहे हो, एक राक्षस को आपने अमृत पिला दिया। भगवान भागे उसके पीछे, सुदर्शन छोड़ा जैसे ही लगा है तो महाराज राहु से दो हो गए, राहु और केतु। भगवान बोले एक को मारो तब दो ही गए, दो को मारेंगे तो चार हो गए, दस यही शांत हो जाओ। तो वो ग्रहण पड़ता है, कहते ना गान पर रो है आज मार मन निकलना। तो जो ग्रहण पड़ता है यही राहु नाम का दैत्य चंद्रमा को और सूर्य को परेशान करता है। तो महाराज देवताओं को अमृत पिलाया गया,
लेकिन यहाँ कथा गज और गिरा की भी आती है। कहते हैं महाराज, समुद्र मंथन के बाद में जो इस राक्षसी वंश में विरोचन राजा हुए, जो प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर हुए थे, प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए जिनका नाम है विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए जिनका नाम है बलि। क्या नाम है? बलि। राजा बलि जो है वो जैन नगरिया के राजा है। इंद्र के सिंहासन को इन्होंने वश में कर लिया था, ऐसा था वो राजा। तो राजा बलि देवताओं की मां का नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप, राक्षसों की मां का नाम है दिति और पिता का नाम है कश्यप। देवताओं के राक्षसों के पिता एक थे, माएं दो थी। तो देवताओं की मां अदिति ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए और कहा वरदान मांगो। तो जवाब दिया है अदिति ने कि हे प्रभु, अगर देना है तो एक ही वरदान दे दो। कौन सा? आपके जैसा बेटा मेरे घर में आ जाए। भगवान बोले, अरे बावरी, मेरे जैसा बेटा तो तीनों लोकन में ना है, और तू हमें ही मांगे बैठी। लेकिन हाँ, तूने इतनी बड़ी तपस्या की है, मैं अवश्य आऊंगा तेरे घर पे।